बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम दो तीन छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। इन इंसान सरिया वाइन्ना सरा अल इंसान सरी वा अना सरियु। द ह्यूमन बीइंग इज माई सीक्रेट एंड आई एम हिज। सीक्रेट का मतलब होता है कि छुपी हुई चीज, ऐसी चीज जो राज में रखी जाए उसको सीक्रेट कहते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेजेस ऑफ ब्लेसिंग द वर्ड ऑफ द विजडम वॉल्यूम 9 में हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। सफा नंबर है जी 35 और रूबिक है जी 6791 6791 के अंदर फरमाते हैं कि इंसान और अल्लाह के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है कि दोनों एक दूसरे के सीक्रेट है। यानी कि अल्लाह ताला को पहचानना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। मेरे पास एक बुक है जिसमें अल्लाह की पहचान अल्लाह तक पहुंच अल्लामा ताहिर कादरी साहब की लिखी हुई है, बहुत प्यारी बुक है वो। अल्लाह ताला के तक रसाई आप कैसे हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की राह वो बुक है। तो इंसान के लिए जो है वो बहुत जबरदस्त रास्ते हैं बहुत ज्यादा, जिसमें आप जो है वो अल्लाह की राह को अपना सकते हैं, अल्लाह के सीक्रेट को जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? दिस अलोन इज द कंपेंट्री, दिस अलोन इज द इट्स कंपेंट्री, ये इसकी जो है तफसीर है। इसकी तफसीर को जानना जरूरी है, सिर्फ तफसीर को जानना ही जरूरी नहीं है बल्कि दिस अलोन इट्स एक्सप्लेनेशन, किसकी वजाहत को भी जानना जरूरी है, तमाम चीजों को जानना जरूरी है। नोबडी एवर डिस्क्लोज दिस सीक्रेट, कोई भी इस राज को जो है वो जाहिर नहीं कर सकता। जब अल्लाह किसी के दिल में ये राज खोल देता है तो उसके मुंह पे ताला लग जाता है, वो उसको जाहिर नहीं कर सकता। इट कुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, ये बिल्कुल जाहिर नहीं किया जा सकता। इवन इट इज वन थर्ड हार्ड प्राइड हार्ड, कि हमें जो है इसके लिए बहुत ज्यादा जो है मेहनत की जरूरत होती है, रात दिन मेहनत की जरूरत होती है। एक एक बात को आप ले लें, रिज के हलाल को ले लें, रिज के हलाल जो है बहुत ही मेहनत का तलब काम है। आम बंदा रिज के हलाल जो है वो कमा नहीं सकता। जब तक आपका रिज के हलाल नहीं होगा उस वक्त तक अल्लाह ताला जो है वो आपको नापसंद फरमाते हैं। जब आपका रिज के हलाल होगा तो अल्लाह ताला आपको पसंद फरमाएगा। जब अल्लाह ताला पहला बंदा जो है जब रिज के हलाल अपने हलाल का लुकमा अपने मुंह के अंदर लेके जाता है तो अल्लाह ताला उसकी जो है वो सेहत बरकत दे देता है। हमारा काम ये है कि आजकल जो है ये रिश्वत चोरी डकैती को जो है वो मामूली बात समझी जाती है। रिश्वत जो है लेना जो है लोग कहते तोहफा है। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। तो तोहफा जो है ये तो है इस्लाम में जायज है, लेकिन किसी मकसद के लिए तोहफा देना ये नाजायज है। कल को मैंने उससे को काम करवाना है तो मैं उसको तोहफा लेके जा रहा हूँ अपने अफसर के लिए अपने साहब के लिए, तो उनको सब तोहफा आप देते हैं। तोहफा उनको दे जिनको जरूरत है, हकमंदों को तोहफा दे, गुरबा को तोहफा दे, ताकि उनका हक है। ऐसे लोग नहीं है कि जो के अमीर आदमी है और उसके घर में दो आंबों की पेटियां भेज रहे हैं
प्रोफेसर के घर में नंबर लगाने के लिए पेटियां भेज रहे हैं सेबो की, तो ये तोहफे नहीं है। किसी से को काम निकलवा रहा है किसी प्रोफेसर से या किसी डॉक्टर अपना लेक्चरार से, तो उसको जो है समोसों के जो है वो प्लेटें भेज रहे हैं, उसको जूस भेज रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। तो असल में जो है काम जो है असल में ऐसी सीक्रेट चीजें जो है वो अजा हो जाती। फिर अल्लाह तो दिल के भेज जानता है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। जब आप ये तसव्वुर कर लेते हैं कि अल्लाह दिलों के भेद भी जानता है और हर जगह मौजूद है, तो फिर आप ये काम नहीं करते। अल्लाह ताला से डरते हैं कि अल्लाह तो मुझे हर वक्त देख रहा है, और अल्लाह का जो है देखना जो है वो आपके लिए जो है वो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह जो है जब देखता है इंसान को, पंद्रह मिनट बाद तो अल्लाह ताला जब आपको देखते हैं तो आप उस वक्त जो है शर्मिंदगी होती है आपको, तो कोशिश करें कि ऐसी चीजों से परहेज करें कि हम जो है किसी से तोहफा लेने से पहले ये सोच लें कि कहीं ये मुझे कल को ब्लैकमेल तो नहीं करेगा, क्या इससे फायदा तो नहीं उठाएगा। तो अल्लाह ताला के नामों की बरकत जो है वो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पे एक इत्काद है, इत्माद है कि जब भी हम हकीम साहब या मौलवी साहब के पास जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हकीम साहब इसको दम कर दें, मौलवी साहब इसको दम कर दें, इसको नजर लगी हुई है। नजर बरहक है, नजर जो है वो लग जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इलाज किया, उसका आपात किया। तो इसी तरीके से लोग कहते हैं कि दम में कोई असर नहीं है, कुरान पाक में कोई शफा नहीं है, और मैं कहता हूं किसमें शफा है, कैसे है? किसमें शफा कैसे है? देखिये, आप किसी को कोई गाली देते हैं तो नाउज बिल्ला, तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, उस पर असर हुआ गाली देने का। कोई भी आप गाली देते हैं, आप किसी को झूठा कह देते हैं, वो भी गाली है अगर वो झूठा नहीं है तो। किसी की गिबत करते हैं तो उसका असर उस पर होता है जो दूसरे का दिल उससे खट्टा हो जाता है। क्या उस पर असर हुआ कि नहीं हुआ? जरूर हुआ। इसी तरीके से जितने भी हम जो है वो दम करते हैं, अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं, अल्लाह के कलाम से जो है उसके असरात को देखते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसमें गंदा शफा रखी हुई है। तो आज अल्लाह के कुछ नामों को हम जानते हैं। मैं खुद जो है वो दम का कायल हुआ और लोगों को जो है बहुत से दीपकाल मेरे पास जो है वो बहुत से भी आते थे कि हकीम साहब इसको दम कर दे, तो मैं अल्लाह का नाम लेके जो उसको फूंक मार देता हूँ, तो अल्लाह ताला उसको जो शफा दे देते हैं। खास तौर पे वालदैन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्शियस होते हैं। वालदैन ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को बहुत जल्दी आराम आ जाए। जब बच्चा बीमार होता है तो वालदैन की तड़प देखने वाली होती है। मैं हॉस्पिटल में होता हूं तो मुझे जो है वालदैन तड़पते हुए महसूस होते हैं। जब भी इस तरह की गलतियां होती है तो जब हम उसको जो है थोड़ा सा जो है वो तसल्ली देने के लिए या उस पर असरात पैदा करने के लिए दम कर देते हैं, तो अल्लाह ताला जो है उसमें शफाए कामला हजरात आप फरमा देते हैं। दम करना फूकना जो है वो गलत बात नहीं है। अल्लाह के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है, खास तौर पे बच्चों के मसाइल को हल करने के लिए। बच्चों को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, मैंने देखा है नजरें बद बहुत जल्दी लग जाती है। बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, हर बच्चे की जो है वो खूबसूरती होती है, हर बच्चे की अपनी जो है वो चाहत होती है, हर बच्चे का अपना बोलपन होता है,
जब बच्चे चलते हैं, बोलते हैं, दूसरी जुबान में बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर लोग जेलस होते हैं, तो बच्चों को जो है वो माशाल्लाह नहीं कहते, बल्कि जो है वो बच्चों को जो कहते हैं, देखो कैसा बच्चा है जी, कितना अच्छा लग रहा है जी। तो जब ये कहेंगे तो उस बच्चे को जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है तो नहीं, शैतानियत की तरफ से एक जो है वो नजर लग जाएगी। तो इसलिए हमें रूहानियत की जरूरत है उसके लिए। इसमें कोई गलत बात नहीं कि आप बेशक कोई भी आयत पढ़ के उसको परफॉर्म दें, लेकिन कुछ चीजों के लिए जो है, कुछ आयात जो है वो मैं आपको जो है वो इजाजत भी देता हूँ और कुछ बताता भी हूँ कि जब बच्चों को जो है ये आयात पढ़ के भूल दी जाए तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर शफा रखी हुई है। सोते वक्त ये जुमले दोहराए तो बीमारियों से निजात हासिल पाए। जब बच्चे की तकलीफ या अलामत के तहत जुमले मिसाल के तौर पर दिए जा रहे हैं, इनमें बच्ची या बच्चे की तकलीफ के मुताबिक जुमला अगर खुद दोहराए और इसके तो बच्चे के कुछ खा भी दे, तो रात को सोते वक्त वो बच्चा जो है इसको खुद पढ़ के सो जाए। 9-10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा जो है पढ़ लेता है, लेकिन इससे छोटे बच्चे जो है वो नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए वालदैन बच्चे के करीब रहकर बच्चे को सोने के दौरान जो है इन जुमलों को दोहरा कर बच्चे को धीमी आवाज में जो है वो दम कर सकते हैं, और किसी भी ऐसे लोग जो पांच नमाजें पढ़ते हैं उनसे दम करवा सकते हैं, और ना ही इतनी बुलंद आवाज में बच्चे को परेशान किया जाए कि बच्चा डर ही जाए। जैसे कि पुलवाल वाली मिसाल है, बच्चों के नुकसान में मेरा बहुत ज्यादा काम है, टीन एजर्स पे मेरा बहुत ज्यादा काम है, हेल्थ प्रोफेशनल पे मेरा काम है, तो इस तरीके से जो है धीमी आवाज में बड़े आस्था से ऐसे जुमले दोहराए कि बच्चा जो है वो नींद की वादियों में चला जाए। जैसे कि दादी अम्मा जो है वो कहानी सुनाती है, कहानी के दौरान ही बच्चों को जो है ये चीजें जो है वो दम करके जो है आप भूख सकते हैं और बच्चों की जो है वो नजर भी उतार सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में जो है वो कमजोरी और कमी जो है वो दूर हो जाती है। याददाश्त की कमी के लिए अगर खुद जुमले कहे या हाफिज हो या हाफिज हो या हाफिज हो या हाफिज हो, हर बात हमेशा याद रख सकता है। मेरा जहन बहुत वसी है, मेरी याददाश्त दिन ब दिन जो है वो तेज से तेज होती जा रही है। सुबह मैं जब उठूंगा तो इंशाल्लाह अपने जहन को मुकाबले के लिए तेज कर लूंगा। या हाफिज हो या हाफिज हो, ये पढ़ने से बच्चे का नाम ले और फिर जो है उसके बदन पर जो है उसके जहन पर उसकी याददाश्त तेज करने के लिए उसके ऊपर जो है वो फूंक मारे और दुआ करे उसके लिए, तो अल्लाह ताला जो है उसकी ये कमियां जो है पूरी कर देगी, उसकी याददाश्त जो है वो बेहतर हो जाएगी। इल्म में इजाफा के लिए या अलिमो, मेरे इल्म में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस तरीके से जब या अलिमो को याद किया जाता है, अल्लाह ताला के सनाम को याद किया जाता है, या बच्चा खुद पढ़ ले या बच्चे के ऊपर फूंक मार ले और अपने ऊपर भी फूंक मार ले, तो मेरी जो है वालदा फरमाते हैं कि जब आप पैदा हुए थे उसके बाद मैंने ये वजीफा जो है पढ़ना शुरू किया या अलिमो, तो अल्लाह ताला ने आपको जो है ये इल्म व फजल से नवाजा, तो मैंने इतना ज्यादा इसको पढ़ा है, इंशाल्लाह मेरा बेटा कभी भी जो है वो जिंदगी में जो है वो इल्म के बगैर नहीं रहेगा। बच्चा अगर रात को डरता हो तो या हफीजो या मोमिनो, या हफीजो या मोमिनो, अल्लाह की हिफाजत इसकी हिफाजत फरमा और मुझे हर चीज के नुकसान से बचा। ऐतल कुर्सी पढ़ना या के ये वाले जो अल्फाज या हफीजो या मोमिनो पढ़ के फूक मारने से बच्चा जो है वो डरने से बेहतर हो जाएगा और बच्चे के अंदर खौफ जो है वो खत्म हो जाएगा। आप अल्लाह को बच्चे की हिफाजत में दे देंगे और फिर अल्लाह ताला उसकी खुद हिफाजत फरमाएंगे। या हय्यु या क्यूम भी आप पढ़ सकते हैं, पुतल पूरी आयतुल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं, और ये चंद अल्फाज में मैंने आपको बताया ये पढ़ के आप जो है फूक मार सकते हैं बच्चे। अगर बच्चा बिस्तर में पेशाब कर दे, अक्सर वजूहत जो होती है कि बच्चा जो है कीड़े
पेट के अंदर कीड़े होते हैं, बच्चों के अंदर जो है ये कीड़ों की वजह से बच्चे बोल बिस्तरी कर देते हैं, बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, तो उसके लिए जो है आप लोग जो है या मारे हो या काबिज हो, में बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा बच्चा, तो ये उसको जो है सिखा दे, या फिर जो है वो आप पढ़ के उसके दम कर दे, या मारी हो या काबिज हो, या मारी हो या काबिज हो, या मारी हो या काबिज हो, और ये जो है इस बीमारी को अल्लाह ताला जो है वो खत्म कर देंगे। और बिस्तर 13-13 साल के मेरे बच्चे देखे हैं, तो जो बिस्तर पर पेशाब करते हैं उनकी आदत बन जाती है, कोई पहली नींद में करते हैं तो आखिरी नींद में करते हैं, जब ये अलामत मौजूद हो तो पेट के अक्सर कीड़े होते हैं, मैं उनके लिए जो है ये सिलेक्ट करता हूँ, मैं उनके लिए सिलेक्ट करता हूँ जी आप कमीला बावड़ंग सरखस, ये दही में मिला के देते हैं, या आपके अतरीफल अतरीफल दीदार जो है रात को सोते वक्त बच्चों को देते हैं, उससे बच्चों के पेट के कीड़े साफ हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाती है। बाद बच्चे चोरी करते हैं, ये भी एक आदत है, इस बुरी आदत जो है ये अपने दोस्तों से सीख लेते हैं, या बाद बच्चे जो है वो जब वालदैन जो है ऐसी हरकतें करते हैं तो बच्चे भी ऐसी हरकतें करने शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना और इस तरीके से जो है ये दीगर आदतें जो है वो अपनाना शुरू कर देते हैं। तो अगर बच्चा जो है ये ऐसा काम करे तो या अल्लाह के अल्फाज दोहराए और बच्चे को जो है ये दुआ करें अल्लाह ताला से, वालदैन भी दुआ करें और बच्चे भी दुआ करें कि या अल्लाह हमें जो है वो इस बुरी आदत से निजात दे दे, या अल्लाह हमें इस बुरी आदत से निजात दे दे, या अल्लाह हमें इस बुरी आदत से निजात दे दे, तो इस तरीके से जो है वो आप इस बुरी आदत से जो बच जाएंगे। तो इसी तरीके से कमजोर और लागर बच्चे उनके लिए जो है वो आप या अल्लाह या कभी हो, 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 ये पढ़ के दुआ करें, जिसकी वजह से जो है इसके तमाम जिस्म की कमजोरी और लागरी दूर हो जाएगी और बच्चे जो है वो बहुत जल्दी जो है वो मोटे होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीका से जो बच्चे मट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं या कोयला खाते हैं, इनके लिए जो है या अल्लाह या मारी हो, तो इस तरीका से ये पढ़ने से बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत से बच्चे जो है वो उनको कैल्शियम की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो जब ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो है ये उनका मसला जो है हल हो जाएगा। इसी तरीका से हद से ज्यादा मोटे बच्चे जो है या अल्लाह या हाफिज हो, दिन ब दिन जो है जो पतले होते जाएंगे और इस तरीका से जो है उनका वजन नॉर्मल हो जाएगा और बदसूरती जो है उनकी दूर हो जाएगी, या अल्लाह या हाफिज हो। ऐसे बच्चे जो हर वक्त जो है ये आजकल माइक्रोफोन मोबाइल फोन वीडियो गेम्स और दीगर चीजें जो है देखते हैं, इनके लिए जो है बच्चों को पढ़ने के लिए या अल्लाह या मानी हो, या अल्लाह या मानी हो, तो इस तरह से ये फजूल आदत जो वीडियो गेम देखने की या जो है वो मोबाइल देखने की और कार्टून देखने की ये खत्म हो जाएगी बच्चों के अंदर। जिद्दी बच्चों के लिए आप जो है या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो, इस तरीके से बच्चे जो है वो जिद छोड़ देंगे, ये जितनी दफा आप पढ़ सकते हैं बच्चा भी पढ़े या आप खुद पढ़ के उसको दम कर दें। बाल बच्चों के अंदर जो है जुबान में लुकनत होती है, वो सही तरीके से बात नहीं कर सकते, तो इसके लिए जो है या अल्लाह या हलल अकीदा या लसानी, कि अल्लाह मेरी जुबान को खोल दे और मेरी जुबान की लुकनत को दूर कर दे, तो ये पढ़ने से जुबान की लुकनत दूर हो जाती है, दम करने से भी जुबान की लुकनत दूर हो जाती है। जब बच्चों को रात को डरावने ख्वाब आए तो आप जो है असल में सब दोस्तों को पता है कि डरावने ख्वाब जो शैतान की शैतानियत की वजह से आते हैं, तो शैतान की शैतानियत को दूर करने के लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ये पढ़े तो अल्लाह ताला जो है शैतान की शैतानियत से दूर फरमा देंगे। बच्चे को झूठ बोलने की आदत खत्म करने के लिए या अल्लाह या हादियो, या अल्लाह या हादियो पढ़े, तो इस तरीके से बच्चों की झूठ की आदत जो है वो खत्म हो जाएगी। रात को सोते वक्त
लोरी सुनाने की अहमियत बहुत ज्यादा है। जब आप उसको लोरी सुनाएं, इसके साथ ही बच्चों को जो है वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करवाएं और कलमे भी पढ़ाएं, जिसकी वजह से बच्चों को बड़ी आसानी से नींद भी आ जाएगी और पुरसकून नींद आएगी। इल्ला बिज़िक्रिल्लाह ला तत्मअन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं होता दिलों को सवार सुकून बजाए के मेरे जिक्र के, तो अल्लाह के जिक्र के सवार जो है किसी को सुकून नहीं होता। तो इस तरीके से जो है बच्चों को कलमा सिखाएं, अल्लाह ताला के जो है नाम सिखाएं, अल्लाह शाफी, अल्लाह माफी और अल्लाह काफी सिखाएं, और खुद बच्चे पढ़े और उसको लोरी के साथ ये चीजें जो है सिखाएं और कलमा सिखाएं। तो इस तरीके से ये अल्फाज दोहराने से बच्चे जो है वो एक तो आसानी से सो जाएंगे और अल्लाह के हिफाजत में चले जाएंगे। रात को सोते वक्त कहानी सुनाने में ये अल्फाज दोहराए, जब आप जो है वो लाशौरी तौर पर बच्चों को कहानी सुनाते हैं, उस वक्त जो है बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस बहाल करें कि आप बहादुर बच्चे हैं और बहादुरी का उनको दर्ज दें, और इस तरीके से उनका जहन जो है बिदार करें, और इस तरीके से जो है बच्चों के अंदर शऊर और लाशौर को बिदार करने के लिए उनके उनके ऐसी बातों जेल में डाल दे भूत जिन का खौफ जो है ताकि उनकी जिंदगी में ना आए, उनकी हरकत और सकनात को जो है वो मद्देनजर रख के हमेशा जो है वो उनको जो है वो अपनी जो है वो निगरानी के अंदर जो भी खाने के लिए दे अपनी निगरानी के अंदर दे, और टाइम टेबल मुकर्रर करें ताकि बच्चे जो है बड़ी आसानी से जो है तमाम काम सर अंजाम दे सके। जब तक बच्चे जो है वो अपने सारे काम जो है वो सर अंजाम नहीं देंगे खुद, उस वक्त तक उनकी कामयाबी जो है वो नहीं होगी। तो इस तरीके से बच्चों में जो है कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए कभी झूठ ना बोले, कभी जिन भूत का ना कहे, कभी ऐसी चीजों का ना कहे ताकि बच्चे जो है वो उससे खौफजदा होकर जो है वो और मुतासर ना हो जाए। तो इस तरीके से आज बच्चों के बारे में थोड़ी सी बातें की है। तो बहादुर वो है जो पुख्ता अजम के साथ अपनी सलाहियतों को तरक्की देता है और उनको जो है वो भरपूर फायदा उठाता है। इस तरीके से एक छोटा सा वाकया बयान करने के बाद मैं इसको वाइंड अप करता हूँ और आखिर में एक तारफ जो है वो करवाता हूँ। छोटे से वाक्य ये है कि एक कातफ नामी स्टूडेंट मेरे पास आया हॉस्पिटल, मैंने कहता है मैंने खुदकुशी कर लेनी है, क्योंकि उसको जो है ये बीएस उसने ये हुआ था। तो मैंने कहा कि यार तुम कल तशरीफ लाना, तो मैंने उसको डेली वेजेस पे अपने हॉस्पिटल के ऊपर 500 रुपए डेली वेजेस पे अगले दिन उसको कंप्यूटर में बैठा दिया। अब वो परमानेंट मुलाजम हो गया है। तो इस तरीके से जो है वो अपनी सलाहियतों से जब बंदा फायदा उठाता है तो कामयाबी उसको जो है वो उसके कदम जो है वो चूमती है। तो आखिर में जो है आज मैं एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं हारून, डॉक्टर हारून साहब, उन्होंने जो है ये मदीना कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज बनाया है 668 अमीर टाउन गली आपटा हाउस वाली फैसलाबाद के अंदर उन्होंने बनाया है, और ये मेडिकल कोर्सेज करवा रहे हैं। बहुत प्यारा कॉलेज बनाया है इन्होंने, मैंने इनका पूरा कॉलेज जो है वो विजिट किया है आज उनकी खुशी दावत के ऊपर। कॉलेज ऑफ द बी कैटेगरी और पैरामेडिक साइंसेज के अंदर ये है, और बड़ा प्यारा कॉलेज इन्होंने बनाया है जी। सामने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लैब है, साथ क्लासरूम है, सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है ये फार्माकोलॉजी लैब है, फार्माकोलॉजी लैब है, और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है बायोकेमिस्ट्री लैब है, और साथ जो है इसके लाइब्रेरी है बड़ी प्यारी, कंप्यूटर का डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे मौजूद है, और इस तरीके से जो है क्लासरूम जो है बड़ी साफ सुथरा माहौल है, और इसी तरीके से जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का कॉलेज बनाया हुआ है। तो ये आप जो भी बंदा दाखिला लेना चाहता है मैट्रिक जो है साइंस के साथ अगर हो, तो उसमें जो है वो दाखिला लेकर जो है वो कैटेगरी बी हासिल करके जो है वो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हासिल कर सकता है। इसके बाद उनकी क्लासेज जो है ये डिस्पेंसर क्लास में एफएससी के मतवाजी जो है मैट्रिक बायोसाइंस के साथ हो,
ये गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पतालों में जॉब करने की इजाजत मिल जाएगी। एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो है पैसे इसमें भी हो जाती है, तो ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है, सरकारी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। FSCOT के ऑपरेशन सेंटर असिस्टेंट के तौर पे ये कोर्स भी जो है गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, और इसमें भी जो है दाखिला करवाने से आपको जो है ये दाखिला करवाने से आपको मुख्तलिफ किस्म की जॉब जो है वो मिल जाएगी। तो ये बहुत प्यारा कॉलेज है जी, बहुत बड़ा कॉलेज है, और आपको फीस में भी बड़ी रियायत जो है मिल जाएगी, और आप जो है किस्तों में भी फीस जो है वो अदा कर सकते हैं। तो जो दोस्त दाखिला लेना चाहते हैं, जो बच्चे अपने दोस्तों को दाखिला दिलवाना चाहते हैं, वो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और कॉलेज की इंतजामिया से भी रब्ता कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये बहुत अच्छा जो है ये जॉब है और ये बड़ा अच्छा काम है। तो हमारा टॉपिक जो है ये था कुश्ता जाब, कुश्ता साजी, यूनिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, कुश्ता साजी, ये हमारा जो है वो टॉपिक था। हम इसको जो है वो कल मजीद डिस्कस कर लेंगे। आज हम इतना ही जो है वो करके जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो कल हम जो है ये दो बुक्स के बारे में भी जिंदगी से लुत्फ उठाएं, यहाँ से भी थोड़ा सा मवाल लिया करेंगे, और जिनसी तलकात से भी मवाल लेके जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो मजीद जो है इससे फायदा उठाएंगे, और जिंदगी को हम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो है वो कैसे गुजार सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर जो है वो वाजे तौर पर दी हुई है। जब आप पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ना शुरू करें तो चोटी पर निगाह रखें, इर्द गिर्द बिखरी चट्टानों की तरफ ना देखें, इत्मीनान से कदम चलते ही जो है वो जस्ट लगाने की कोशिश ना करें, जो आपका पांव जो है वो डगमगा सकता है। अपने आप को जब तरक्की देने की आप कोशिश करेंगे तो याद रखें, लोगों के लिए आप जैसा तर्ज अमल तैयार करेंगे, इसी की बुनियाद पर लोग आपके लिए जो है वो अपने आप के बर्ताव का, आपसे बर्ताव का जो तय्यन करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अच्छे बर्ताव दूसरों से करते हैं तो आपका जो है हमेशा कामयाबी रहेगी, अगर दूसरों से अच्छा बर्ताव नहीं करते तो आपको जो है वो नाकामी जो है वो आपके कदम चुमेगी। इस तरीके से जो है जिंदगी गुजारने के लिए आपको जो है इस्लाम के जितने भी कवानीन है उनके मुताबिक अमल करना चाहिए। जैसे कि आज अल्लाह के सीक्रेट्स को हमने जाना, अल्लाह के सीक्रेट जो है बंदे के पास है और बंदे जो है उसके सीक्रेट जो है अल्लाह के पास है, तो अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाते हैं और उनकी भी हिफाजत फरमाते हैं जो ऐसे काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। मैं डॉक्टर साहब को बहुत मशहूर हूँ अपने दोस्तों और भाइयों का, तो इसमें जो है कि हम जो है इसको जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, तो बाकी दोस्तों और भाइयों।